बने उस बाबा के चरणों की धूल, आओ हम सब मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के दो फूल। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। भूलना मत उस महान आत्मा को, जमाना कहता है बाबा साहेब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहेब जिनको। धन्य हमारे बाबा साहेब जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी संघर्षों से बिताए, कठिनाइयों से, परिस्थितियों से लड़े, संघर्ष किए और हमें पशुओं से इंसान बनाए। कीड़े मकोड़े जैसी हमारी जिंदगी थी, हमें एक पहचान दिए, मान सम्मान दिए, हमें धन दौलत दी, शोहरत दी, नाम दिए, इज्जत दिए, गाड़ी दिए, बंगला दिए। धन्य हमारे बाबा साहेब, उस बाबा साहेब को मैं नमन करता हूँ जिन्हें हमारे भारत देश का संविधान दिया, जिसकी बदौलत आज हमारा समाज यहाँ तक पहुँचा, हमारी माताएं बहनें यहाँ तक पहुँची। अरे जिस विधान के नियम के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार हमारे महिलाओं को ब्लाउज तक पहनने का अधिकार नहीं था, आज वो महिलाएं हमारे देश से डीएम सीएम पीएम तक बनी। धन्य हमारे बाबा साहेब का संविधान। संविधान का मतलब सब, मतलब बराबर, और विधान का मतलब कानून, यानी जो कानून सबके लिए बराबर हो, वो है बाबा साहेब का संविधान। तो मैं अपने उस बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करता हूँ, इस महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार बाबा साहेब के लिए जोर से बोलेंगे जय भीम। ये मेरा गाना उस स्थिति को दर्शाता है जिस समय हमारे इस समाज को पढ़ने लिखने की तरह आजादी नहीं थी। सारा ये हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, हमको थूकने तक की अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, गुलामी में जिंदगी सड़ रही थी। उस स्थिति को हमारा ये गाना दर्शाता है, उस समय को। उससे पहले कहना है, अरे सारे बहुजन को मान सम्मान देने वाले, मेरे देश को प्यारा संविधान देने वाले, वो सारे बहुजन को मान सम्मान देने वाले, मेरे देश को प्यारा संविधान देने वाले, वो मैं तो कहता हूँ ये बात बहुजन टीम से हो मुझे, हो हमें जो भी मिला है मेरे भी। जो कुछ भी हमें आज मिला, बाबा साहेब की बदौलत मिला है, बाबा साहेब के संघर्षों की कमाई, मेहनत की कमाई आज हमारा समाज खा रहा है। फिर भी हमारा समाज बाबा साहेब को नहीं मानता, भूलता जा रहा है। धन्य हमारे बाबा साहेब मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने हमें हमारे इस समाज को जागृत करने का काम किए, कोटि कोटि नमन करता हूँ। लेकिन आएंगे ये हमारा जो गाना उस स्थिति को दर्शाता हुआ, ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। ये आसान लिखने वाले ने आसान लिख दिया, ये आसान लिखने वाले ने ये आसान लिख दिया, बहुजनों की तकदीर में मुस्कान लिख दिया। और जिस समय हमारे समाज को पढ़ने की आजादी भी नहीं थी, उस समय हमारे बाबा साहेब ने हमारे भारत देश का संविधान लिख दिया। साथ ही हमारे भारत देश का संविधान लिख दिया। और हमारे बीच से
बिक्रमगंज प्रखंड प्रमुख आदरणीय श्री लल्ली यादव जी, मेरे बड़े भाई।